हूं तक सू सार संभाल के रखे प्रभु इस जूम मीटिंग परमेश्वर प्रभु जी अच्छा परमेश्वर प्रभु परमेशमे तो परमेश्वर पर 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 ट्रेनिंग रखी गई है प्रभु उसके राही प्रभु जी अस सारे जाने परमेश्वर प्रभु सीख सकी परमेश्वर अपने जीवन उस ग्रहण करते हुए लागू कर सकी प्रभु हरेक संघ रहना परमेश्वर किसी नभु ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕਦੇ ਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਆਮੇਨ 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 ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੰਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਹ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ मैंने एक मिनट टाइम तो स्लाइड शो अच्छा स्क्रीन तो आनो दिख रहा है हाँ जी बस हाँ जी बस ओके आम थोड़ा सी आम um, सगो पिछले हफ्ते पिछले मंगलवार इकट्ठे हुए से और ये ट्रेनिंग कर रहे हाँ खास तौर पे असी ये देखना चाहूँगे दे हाँ कि कलिसिया होंदे हुए असी आम, कुछ गल्ल होर भी ज्यादा ध्यान देना चाहते हाँ और देने का खास कारण ये है कि ये सब गल् जिस वाल ध्यान देना चाहते हैं ये बुनियादी गल् है और जब असं बुनियादी गल्ल ध्यान देंगे तो असं होर भी सगो एक मजबूत स्थानीय कलीसिया बन सकते हाँ और एक मजबूत स्थानीय कलीसिया बनना बहुत ही जरूरी है ताकि कलीसिया बढ़िया तरीके बद सके और ये कलीसिया किसती है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया जो मुख्य है और असी सारे मिलकर इस कलीसिया के सदस्य है प्रभु की मर्जी जेकर तुम मैं पूछोगे की है कलीसिया के बारे तो वो यही है कि प्रभु चाहता है कि हर एक स्थानीय कलीसिया मजबूत, एक सेहतमंद कलीसिया जिथे हर एक विश्वासी सुसमाचार का प्रचार करने विच बिल्कुल ही तत्पर रहे तैयार रहे इस दे प्रति कदम उठाइए दूजा जो असी सगो वेखना चौऊं हाँ वो ये है कि फॉलो अप इसी फॉलो अप दे बारे पिछले हफ्ते सगो असी वेख रहे सी तीजा ये है कि पालन पोषण होना चाहिदा है और चौथा है कि चेलेपन द कम बढ़िया होवे तो सुसमाचार सुनाऊं दे विषय दे बारे वेख्या मत्ती दी इंजीलस्ते अठाई दे उन्नी अते भी आयत बल के दे रहे से जथे प्रभु ने हुकुम दित्ता ते केहा कि जाओ जाति जाति दे लोकां ओ ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नपतिस दो ते वो सारी जिस जिसना मैं अंत तक मैं सदा हाँ ते हम अस ये वेखना चाहते हाँ कि हर एक मैंबर कलीसिया हर एक विश्वासी दो नो चुने मैं आशा रखता हाँ कि तीव चुन अ चुन चुके हो और उसी तरीके दे नाल असी जो क्यों है इस विषय बारे भी असी वेख्या सो असी ये वेख्या परमेश्वर की आज्ञा है परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो वे। सिर्फ असी ही है जो सुसमाचार सुना सकते हाँ ते शांत रहना सगों एक बहुत ही बड़ा पाप है ते अः ये दिखाता है कि असि प्रभु नो प्यार करते हैं जो सुसमाचार प्रचार करते हाँ ते, ते इसी सुसमाचार दे, प्रचार दे विच इसी की करना है उदो बिना हिम्मत हारे हुए प्रचार करना है बिना हिम्मत हारे हुए अपने ध्यान देना है क्योंकि असी हर एक व्यक्ति दे समा लेता है कुछ घट समा कुछ ज्यादा समा ते जिस तरह साढ़े वाल कोई किस कोई ना कोई सी जिसने त्यान दिता जिस जिसने करके उन्हें हिम्मत रखा उन्होंने धीरज रख्या वो प्रार्थना करते रहे उसी तरीके नाल लोड सदों तक प्रार्थना करिए जदों तक कुछ होंगे नहीं ते करना चाहिए है सब तो पहला तो उन्होंने लिए प्रार्थना करना है उन्होंने रिश्ता बना है और फिर अपनी गवाही वडना या सुसमाचार सुना है अच्छा तो इसी बारे असि देखियाोअप की है इसकी परिभाषा वेख्या जिथे अखते हाँ कि अः जे अपने ही शब्दों समझाने की लड़ है तो ये याद रखना है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपना मुक्तिदाता कबूल किया है एक बार उन्होंने कबूल करने तो बाद बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने रिश्ते कायम करके उन्होंने अगवाही अ कर सकी तो इस इस अब तो इसे इसमें करना है व्यक्तिगत तौर पर करना है दूजा कैरसल राही करना है और तू तीजा है कलीसिया के जो एतवार को उसके अलावा बाकी जो सभाएं अभी रखते हाँ उस दे द्वारा करना है ते आ, फिर उस तो बाद ऐसी vecchia की फॉलो अप ते क्यों जरूरत हुंदी है इस विषय दे बारे vecchia की नवे विश्वासी दे पटकन दी संभावना ज्यादा हुंदे है ते उस तो बाद ऐसी vecchia की एक नवे विश्वासी दे जीवन विच बदलाव दी संभावना ज्यादा सगो हुंदे है इस करके ਜੀਵੇ ਜਦ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮਾ ਮਾਰੋ ਤੋ ਫਿਰ ਬਦਿਆ ਰਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ बन सकते हो ताकि वो उस चुनौती का सामना बढ़िया तरीके नाल कर सकन असी उनानो उस तरह, तरह आदत लेकर आना चाहते हाँ गलत आदतों को छुड़ाने मदद सगो करना चाहते हाँ तो बात की है मसीही जीवन तो जो अः अनजान क्योंकि है उन्हों अगुवा की उन्नी ही ज्यादा लोड है तो इतने तक अभी सगों वेख्या अज अगे असी सगों वेखन वाले हाँ और ये की है इस विच दी लोड है कह मतलब अच्छा मैं सगों फॉलोअप ले तैयार हाँ मैं पालन पोषण करने ले तैयार हाँ मैं चेले उनानो जिन्होंने प्रभु ने कबूल किया चेला बनाना चाहता हाँ इस कुछ जरूरी गलत है जो थानू तू जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिस तरह प्रभु ने कहा जब तीन घर बनाना चाहते हो तो तुम की करो उसका की कीमत लगेगा है ना की कुछ करना है उस दे बारे तुसी पहले ही जानकारी रख लो और उस तरीके तैयार रहो जेकर असी वो जानकारी ना रखिए फिर अस उसी तरीके नल कदम उठाइए, तो फिर बाद रे ये भी है वो भी है वो वाली गल नहीं होनी चाहिए है तो असं थोड़ा जा इस विषय के बारे वेखा सब तो पहला मैं किसी का पालन पोषण कर रहा मैं फॉलोअप कर रहा मैं उन्होंने चेले बना रहा तो मेरा परमेश्वर साडा एक रिश्ता इस ये एक मुख्य गल है ठीक इस रिश्ते दे विषय के दे बारे वेखिए तो असी सगो क्यों ये रिश्ता चाहिदा है मेरा प्रभु दे नाल रिश्ते का मतलब या उस क्यों चाहिदा है क्योंकि असी तरीके नाल अपने जीवन नो दे असी की कर रहे हाँ वंड रहे हाँ ठीक वो सिर्फ साढ़े शब्दा के नाम कह नहीं है या मतलब सगो अपने जीवन हाँ वो जो जीवन देन वाला है उस जीवन अंदर एक जुनून नाल रहेगा। तो चंगे तरीके नाल अपने जीवन नो उना दे जीवन के दे सगो वे हाँ तो याद रखना है जिस तरीके हाँ कि एक माँ जब अपने बच्चे सगों एक तरीके उसा रही है वो सगो अपना 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 जीवन मतलब दे कर वो कर रही है तो अः पोल उस दे बारे जेकर तो कहोगे उसने मतलब के जिस तरीके कहते ना कि जिम्मे एक माँ अपने बच्चे को जन्म दें दी है, उस तरीके दे मैं तुम्हें तो जन्म देता है कर कर उस शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहा है मैं अपनी अपनी जान देकर मैं ये ध्यान देता कि मैं थानू वा है तो वो चीज है वो वधिया तरीके होगा जब जो रिश्ता परमेश्वर के न रहेगा ते परमेश्वर नाल ना जीवन अजिहा होना चाहता है कि उस दे नाल सगों असि की कहें हैं कि आ आ जो नकल किया जा सकता है जिन्हों की अगुवाई अभी कर रहे हाँ जिन्ह का फॉलोअप अः जिन्ह का पालन पोषण अब तो उन्होंने प्रभावित करेगी वो है जीवन, वो की है साडा जीवन ही उन्होंने प्रभावित करेगा जे मेरा जीवन उस तरह का होगा जिदा मैं कह रहा हाँ तो वो चीज सचमुच उन्होंने प्रभावित करेगा पिछले समय अस जो बच्चों के कलीसिया के जो टीचर्स हैं उन्होंने गल कर रहे सी। और वो गल दे एक गल कि जब असी सगों बच्चों सिखा रहे हाँ ये याद रख की लड़ है कि आत्मिक ट्रांसफर हो रहा है है ना सिर्फ शब्द ही नहीं अस वह हाँ सगो अपना जीवन असी रहे हाँ एक आत्मिक ट्रांसफर उन्होंने हो रहा है ते इस इस जो अब की गल कर रहे हाँ पालन पोषण की गल कर रहे हाँ जो अस चेले बना कर रहे याद रखने की लड़ है वो ही जीवन असं उन्होंने जीवन केंढेल रहे हाँ जे मैं उसका पालन उदा कर रहा जिदा मैं कह रहा हाँ उसका होर विया प्रभाव जे मैं कहना नहीं तुसी जो है बाइबल पढ़ना है पर जे मैं आप बाइबल नहीं पढ़ता हाँ तो वो प्रभाव उस जीवन उस तरह शायद ही हो पर जे मैं वचन समा दे रहा हाँ प्रभु दे नाल मेरा समा है मैं उस राह दे चलना है, जिस देना चाहिए दा होर ज्यादा प्रभाव विच पेगा तो परमेश्वर साडा रिश्ता एक बहुत ही एक अहम चीज है दूजा जो है समर्पण साड़ी इच्छा समर्पण सगो साड़ी इच्छा ये भी एक बहुत ही मुख्य चीज है जो सानो समझना है कि आ, ये याद रखो ये फॉलोअप करना जो पालन पोषण है चेले बना दे काम दे ले समर्पण लोड है। जेकर समर्पण नहीं है तो इस तरीके कर ही नहीं सकते जो व्यक्तिगत फॉलोअप समा लगदा है कि है व्यक्तिगत फॉलोअप के समा लगदा है मैं थोड़ा ध्यान एक वचन दे व लेके जाना चाहागा जो चेलिया दे करतब उसके बी अध्याय दे बी आयत और इकती आयत कोई भी कृपा करके पढ़े और जो जो बातें तुम्हारी लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी ना झिझका इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने तीन वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा हा मैम पौलुस यह गल कर रहा है ठीक है पॉलस कह रहा है कि मैं थोड़े घर घर गया और रात दिन उसने की किता सी कि समा दो हफ्ते तीन हफ्ते चार हफ्ते नहीं वो कहता तीन साल आ, एक बहुत ही लंबा एक समा है पर उसने क्या मैं इस सगों किता सी तो बहुत जरूरी ध्यान रखने की लड़ है तीन साल करना है समर्पण हो तो वो जरूर हो सकता है कई लोगों समर्पण करना मुश्किल है एक बहुत ही मुख्य गल जो ध्यान देने की लड़ है असी इस तरह के एक समा दे जिथे असी सोचते थोड़ा जा दस के करो है ना पर फिर उस तरीके दे नाल नहीं होंदा है सानू ये समझ समझन दी लोड़ है सानू ये समर्पण करके हुण इसी करके फॉलो अप ते काम ले पालन पोषण दा चेले बनाउन दे काम वेच असी वेखते हाँ कई बारी मसी लोकी इस नु करन करना नहीं चांदे उसे सौखा होवे, पर मैं यो आशा रखता हाँ तुसी आए हो तुसी अपना समा कट कर इस ट्रेनिंग नु पा रहे हो इस करके ताकि समर्पण देस है या कोई कहा के, जाता है कि तुसी इना दा, इना दे दो। याद रखना है समर्पण होके गुवाही कर सकते उन्हों का फॉलोअप कर उना दा पालन पोषण कर सकते हाँ दो मिनट सोच के वेखो बच्चे का जो है है ना बच्चे नु बढ़ाना है एक बहुत ही औखा काम है तौर पर इधर कुछ माए हैं तोड़े बच्चे मेरे ख्याल कुछ महीने दे हैं या कुछ होनी साल हो या दो साल ही हुए हैं तो पता उस काफी मेहनत लगती है समर्पण की लोड है क्योंकि तुसी समर्पण कर रहे हो उस तरके बच्चा चंगी तरह बद रहा है पर जे वो समर्पण ना होवे तो की वो बच्चा चंगी तरह वधेगा नहीं बढ़ेगा कई फिर हैं वो बीमारियां आ सकती है शायद भावनात्मक तौर पर वो बहुत ही प्रभावित हो नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो जाएगा जो माँ बाप का ध्यान नहीं दिता जाता है वो शायद बिगड़ भी सकता है बहुत ही ज्यादा जिद्दी भी हो सकता है ये सब कारण होते ना किते जो जो पालन पोषण दे कमिया दे करके भी हो एक बहुत बड़ी संभावना है तो असं वेखते हाँ कि इस तरीके नाल जो फॉलोअप इस काम के समर्पण की भी बहुत लोड पीती है तीजा जो है वो है जवाबदेही जवाबदेही दोबारा मैं ये दसना चाहगा जवाबदेही कह मतलब थानू जेल वो एक है तुसी उना दा फॉलोअप कर रहे हो पालन पोषण कर रहे हो तुसी तुम दे जो उन्होंने चेला बना रहे हो तो या कैरसल अगवे हो सकते हैं या पास्टर हो सकता है, जो पूछेंगे, उसे किस तरीके नाल कर रहे हो तो जवाब दे ही रही है तो वो बदिया रहा है कारण ये कोई ना कोई है जो मैं पूछ रहा किसी ना किसी मैनों जवाब देना है ਤੇ ਵੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ईशु मसीह के रूप पोषण की है जो उसकी परिभाषा चाहिए है तो बिल्कुल साधारण शब्दों की है कि है प्रक्रिया विच। याद रखो ये एक प्रक्रिया है एक दिन दे विच नहीं देता पर एक समा लगता है ते एक प्रक्रिया दे विच, नवे विश्वासियां दी मदद की जाती है क्यों कि खुद ishu masi de roop vich vad sakan ਇਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਕੀ ਇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਈਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जिस तरह एक छोटा बच्चा जिम्मे जिमेंद है शायद जहाँ बच्चे नवे बच्चे या बचे बच्चे पहला कदम जो उसने आप चुकया वो मतलब इन खुशी की गल है जैसी कही तो बंबलदा है आ, दस नंबर गली दे सी देखी सागों उस टाइम सेवा दे ले दो बाइबल कॉलेज के मुंडे भी आए हुए थे दक्षिण भारत तो वो सी जो उसने पहली बार कदम पे ही खड़े होकर तुरना शुरू किया बच्चा अपने पैरों से खड़े होकर होकर, पढ़ाई कर कर, वो अब नौकरी करके या बिजनेस करके आप कमाना शुरू कर लेता है तो मां बाप बहुत ही खुशी होंगी है तो वही चीज है जिथे पालन पोषण के चाहते हाँ कि मसी ईशु की तरह बन सके हम मसीही चेलापन इस परिभाषा जेकर से देखे तो की है यह प्रभु यीशु मसीह दे चरित्र अति स्वभाव नो ल लेना है अते उस उस दे तरीके इच्छा अते राहानो सिखन वाले की है बनना है आ सगो अम तो अस ये वेखते हाँ कि ये एक कम है जिथे असी सिखन वाले और नाले ही मैं ये कहांगा सिख वाले भी असी सगो बनना है तो की है प्रभु यीशु मसीह के चरित्र स्वभाव नो लै लेना है ठीक है अपने जीवन दे विच अते उस दे तरीके उस दे उस राह उस दे जो इच्छा है हाँ सिखन ले बढ़ना है तो ये एक परिभाषा असी कह सकते हाँ मसीही चेलेपन दे वारे है। तो फॉलोअप ये दोनों ही चीजें शामिल होंगे हैं अगे असी जेकर वेखिए, तो अं वेख दे हाँ कि इस फॉलोअप आखिर तक जान दी इच्छा रखन वाले वाले बनना जैसी सचमुच बढ़िया तरीके या कह लो कि साडे जो संस्कृति है उत्तमता जो कुछ कर दे हाँ की करना है उत्तमता दे नाल करना है कहने द मतलब आखिर तक जान दी इच्छा मैंने जो पालन पोषण करना है मैंने जो चेले बनाना है आखिर तक मैंने की है उस नो करना है कर मसीह नो न तो ईशु मसी ने तीन साढ़े तीन साल सब कुछ करके उन चेलिया सगो तैयार किया असि देखते चेले बनना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है कि ये चेले बनना एक लंबी प्रक्रिया या कह लो किसी जो चेले बना भी रहे हाँ वो एक लंबी प्रक्रिया है ते असी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक्चुअली इतने टाइपिंग मिस्टेक है साढ़े तीन साल लगे साढ़े पांच नहीं साढ़े तीन साल लगे से ठीक है तो प्रभु यीशु मसीह ने साढ़े तीन साल प्रभु ने क्या आओ है ना क्या आओ देखो मेरे जीवन हम कद कद चेलेपन दे मैं पता नहीं थोड़े मन की एक विचार है पर मैं थोड़ा जा स्क्रीन हटाकर मैं सगों गल करना और अच्छा आज जेकर इधर मैं थोड़े सामने एक प्रश्न सगों रखना चाहागा ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ जेकर तनु कोई ना कोई चेले बना रहा सी तो तौ किस तरीके नाल ओना ने चेला बनाया कोई तो विचार कर सकता है हुन ये ना सोचे सही है या गलत है वो सोचने दे लोड नहीं है फर्स्ट उधर ना समय बताना जी अच्छा व्यक्ति दे ना चेले बनाणा नाल समय बतावांगे ता तदे उनु प्रभु बारे चेले बना सकदे अच्छा, है अच्छा समय बताना है ओके ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪਛੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਗਵਾਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸ સમાચાર ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਨਕੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਮਾ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾ ਸੇ ਚੇਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਰ ਪਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਰਾਜਰਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਐ ਇਸਤਰੀ ਜਾਨਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ-ਵਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ अच्छा आंटी एक मिनट है सॉरी सॉरी मैं तन्नो तो रोक रहा मेरा प्रश्न ये है जो जिनानु जिना ने प्रभु नो कबूल कर लिया है उना चेले बनावण दे विषय दे बारे आ मैं उन मेरा प्रश्न ये नहीं जिना ने प्रभु नो कबूल नहीं कित्ता हुन assi सोचो जिसने प्रभु नो कबूल कर लिया है ठीक है हां जी चेले बनावण विषय दे बारे है हां जी हां जी उदन फिर assi हां जी ਏ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਣ ਜੋਤੀ ਆ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। करना ऐसे दोस्त नहीं बनाने यहां पर बइबल पढ़नी है ऐसे मतलब हर एक चीज उन्होंने बइबल के अनुसार मतलब मेनू टाल चाहे जिथेड़ पैंती डांट दे जिथे लगता हाँ प्यार मैं ढील हो जाऊंगी ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਮਸੀਹ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਆন্টি ਅੰਕਲ ਮਤਲਬ ਔਰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਵਾਰੇ ਪਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮਸੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੇਲੇ ਪੜਨ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ પતિ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਵਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਪਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਈ

आ, दे कर सकते हैं। आ, चलो आ, उस वो, आ, हां भाल जब अस् करते जनरली सुचार इस विषय है नहीं तो भी हाँ जरूर अस् सगो कर सकते हाँ जो एक दूजे मदद करना वो सगो बाइबल भी उस विषय के बारे दस दी ही है कि मसी एक दूजे मदद का कारण रहो जिस तरीके नाल कर सकते। जरूर करे जरूर करे वो हाँ वो एक, एक मेन अच्छा ठीक है मैं मैं दस पे होर कोई कुछ दसना चाहेगा प्रार्थना के द्वारा अच्छा ਪ੍ਰार्थਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ اچھا ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਾਚਾਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ हाँ, ये तुसी उना दी गल कर रहे हो ना जिन्ह ने प्रभु हले तक कबूल नहीं किया है ना आन्दी, आन्दी। हाँ मैं हुन, मेरा प्रश्न इस विषय नाल संबंधित है ने प्रभु कबूल कर लिया है याद लोड है सारे मैं चाहता हाँ कि इस समझ कि जिन्हों ने प्रभु कबूल कर लिया उन्होंने फिर बाद चेला बनाना है यीशु मसीह ने की कहा जाओ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਜੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਔਰ ਭਈਆ ਜਿਸ ਰਵਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਉਹ ਬਚਨ ਦਸਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਵ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜਨੀ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਫਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਹੋਰ ਕੁਇਕ ਦਸਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿਲਾ ਬਣਾਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੇਅਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ अः बिल्कुल वो मॉडल या एक उदाहरण रहना भी बहुत जरूरी है अः हाँ हाँ। जिस तरह अः उस टाइम पहले पॉइंट दसिया दे, दे परमेश्वर के दे 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 एक उदाहरण वो उदाहरण है जो सब तो अः कह लो कि ज्यादा प्रभाव उन्होंने जीवन के लाएगा वो चीज उन्होंने सब तो ज्यादा प्रभावित भी करेगा थैंक यू आम इस तरह मतलब ती अपना अपना जवाब देता है और ये ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत जरूरी है पर ये जरूर तुम कृपा करके याद रखो कि हम असी इस विषय दे विच चेले बना पालन पोषण है चेले बनाना है इस विषय असी होर भी ज्यादा गंभीरता दे नाल कदम चुकना चाह रहे हाँ और मैं ये दसना चाहता हाँ कि जी चेले बना रहे हाँ तो अः साडा थियन एक उस व्यक्ति दे वल है आ एक मिनट सान ध्यान अः एक तो उस व्यक्ति दे वल है और दूजा पूरे कलीसिया वाल भी है मतलब यह है कि जब छेले बना रहे हां तो सिर्फ कलीसिया कलीसिया सीमित नहीं है चाहते हाँ कि जो परमेश्वर की योजना उस विश्वासी दे जीवन दे विच है वो योजना उस विश्वासी दे जीवन विच पूरा होवे चाहे उसके पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे उसके कम के क्षेत्र हो चाहे उसके बिजनेस के क्षेत्र हो चाहे उसके पारिवारिक जीवन के विषय हो ठीक इन सारे विषय ये वेखना चाहते हाँ कि वो अपने जीवन के परमेश्वर के उस दर्शन पूरा करने वाला रहे ना अभी वेखना चाहते हाँ कि हर एक विश्वासी जो है ये याद रखे जिवे जिवे उस दे जीवन उन्नति हो रही है उस तरह का विश्वासी होना चाहता है कि वो कलीसिया दे दे शामिल होकर वो पूरा योगदान देने वाला एक मसीह बन सके तो दो गल्ला है एक ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਈਬਲ ਸੰਗਤੀ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਇਨਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਤਿਆਨ ਤੇ ਉੱਨਤੀ वेखना चाहते हाँ उसी समा याद रख दे समूह है कदे भी उसको भुलना नहीं चाहिदा है स्थानीय कलीसिया चर्च दे सदस्य है तो साढ़ा कलीसिया हुंदे हुए उस दे दे उन्नति भी पूरा योगदान देने वाला एक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वही प्रभु की इच्छा हर एक विश्वासी हर एक मसी है ठीक है तो जब चेले बना रहे हैं तो दोनों ही दर्शन दे दे दर्शन दे पूरे होने रहे हाँ तो होर असी अगे वेखा तो अस ये वेख रहे हैं सी कि चेले आ, बनना एक लंबी प्रक्रिया है जिस तरह ईशु मसी साढ़े ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਸਕੇ ਤਗੋ ਉਸਨੇ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ पर बर्जादुस्ती ढूँगाये देवी जाके रिसर्च करके जब पता लगता है तो जिस टाइम उसने प्रभु नो कबूल किता ते जिस टाइम वो एक मिशनरी बनया तकरीबन 10 साल लगे उस तेरे तैयारी उस देवी छोई ते अगला जो ऐसी वेक देहाँ इधर ही आखिर तक जारी रखने दी लोड है जैसे किसी र पालन कोशिश उसने � असी कह लो कि उसका पालन पोषण कर रहे उसका चेले बना रहे आखिर तक सू उस लगे रहने दी लड़ है तो जब असि वेख रहे उसके दर्शन प्रभु ईशु मसीह दे सम्मान असी उसकी है बनाना आ, दे सम्मान है जिवे वचन अभी पढ़ेंगे जेकर कोई भी एक वचन पढ़ सकता है मत्ती दिन झील उसके तेरहवें अध्याय दा का इकती बत्ती ते कोई होर जेकर यशाया नबी सठ का बई एक आ, आ, सगों कई ये वचन शायद याद होगा ये शायद सठ का बई पर मती तेरह दा पढ़ेंगे कोई भी बाइबल है तो कृपा करके तुसी अनम्यूट करके पढ़े ਹਾਂ ਮਤੀ ਕਿਸ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਤੀ 13 ਦਾ 31 ਔਰ 32 ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਅੰਕਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਸਮਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਸ ਤਾਂ ਸਭ ਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ गिर के मर के उ वो फिर वड्डा होकर वो कहीं दे ले मतलब एक, एक आशीष का कारण बन रहा है वो एक तरीके दे नाल जीवन कि परमेश्वर भी उसी तरीके दा सगो बनाना चाहुंदा है उसी तरीके दे नाल वो कम जीवन दे भी सगो प्रभु वेखना चाहुंदा है तो जब असि चेला बना रहे हैं, वो एक दर्शन

ये शाय स बाई है जो सामूहिक दर्शन दे बारे खलीसिया दे दे विषय दे दस रहा है जिथे प्रभु ये वेखना चाहता है कि एक छोटा जा या एक निका जा एक हजार हो जाएगा एक छोटा एक बलवंत कौम मैं यहोवा वेले से छेती करांगा, जिथे असी ये वो ये एक वायदा भी है सगों जो प्रभु ने सू दिता है जब सगो इसी चीज तैयार भी कर रहा सी ते प्रभु मेरा ध्यान उस विषय लेकर गया कि देख ये वचन जो मैं तेनों देता है इसके कुछ है तो मैंने, मैं मैं बैठ के सोचा काश मैं थोड़ा जा होर भी इस विषय के बारे थोड़ा होर डूंगाई जाकर पहला ही जे जा चला जाकर जाके मैं वेखता तो कि बढ़िया रहता या या। पर जब अस कहते हैं कि अंग्रेजी के कहावत है कि Late than never, मतलब वो है तो वही चीज देख रहे कि आ, आवाज आवाज आ आ रही है. आ रही है पूर Hello, आवाज आ आ रही है मेरी ओके 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 ठीक है तो असी वेख रहे कि जद असी सा ध्यान उस व्यक्ति दे आखिर तक इस तरह ध्यान है और व्यक्तिगत दर्शन है और सामूहिक दर्शन का दोनों ही बहुत जरूरी है तो अस याद रखना है कि आखिर तक जारी रखन दी, दे दे लई रखीरज दी, दी लोड है एक छोटे बच्चे जब असी चलना सिखा रहे हैं धीरज दी लोड है जब एक छोटे बच्चे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो उस दे भी की है धीरज की लोड पी है तो कुछ भी है धीरज जब असं उन्होंने सिखा रहे हैं चलो तो मिलकर असी प्रार्थना करेंगे ठीक है सिखा रहे शायद पहली बार नहीं दूजी बार नहीं तीजी बार नहीं पर नहीं मैं बिना हिम्मत हारे करा शायद असी उन्होंने कहें हैं कि प्रभु दे पवन देना है मिलकर असी आराधना करना है पर वह क्योंकि इस तरह के परिवार इस तरह के इस विश्वासों आया है मा जब प्रभु दे मैनू तो जो है अः हर हफ्ते जाना है प्रभु के पवन विच शायद शुरुआत उसके लिए औखा रहेगा पर धीरज रखते हुए उसके जीवन दे विच ये, प्रार्थना कर दे उसनों हुए उसका महत्व सिखाते हुए उस प्रभु ने कहा ये सब गल्ला सिखा के हौली 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 उसके दे जीवन दे विच, प्रभु दे उस काम नो असी सगो वेख सकते हाँ ठीक है तो इस तरीके दे नाल जो असी उस दे जीवन विच वो कम सगो वेखना है कि वो पूरा हो सके दे लिए धीरज भी बहुत ज्यादा लोड है अगे असी वेक देहा अच्छा सोना को ले प्रशन है हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब ये व्यक्ति चेला बन चुका है अच्छा गोली नो आवाज आ नहीं रही गोली तो नो आवाज नहीं आ रही अच्छा

मेरा ये क्वेश्चन था अच्छा सोना एक प्रश्न पूछ रही है मेरा ये क्वेश्चन था कि हमको कैसे पता चलेगा अब ये चेला बनकर अब ये रेडी है अब हम अपना ध्यान दूसरे मतलब जो वही कोर्स जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया उस पर अब ज्यादा लगा सकते हैं। अच्छा सोना का यही प्रश्न है कि किवे असि पता लगा सकते हाँ कि एक व्यक्ति मतलब चेला बन गया है

जब उसके जीवन दिखना शुरू हो जाता है और जिस तरह वो अपने पैर खड़े हो जाएगा जिम्मे अच्छे का है सू पता है कि उस जब नवा नवा तुर रहा है तो सारी लोड है पर फिर थोड़े समा बाद तो अपने घर भी बाहर जाएगा जाके खेलेगा भी या साइकिल भी चलाएगा तो सू मतलब पता है वो उस हो नहीं तो उसी तरीके चेले क्वालिटीज है की, -की उस दे जीवन में होना चाहिए है असि उस दे, दे नु सगो तैयार कर हाँ कि आखिर विच वो अपने पैर खड़े होकर आप अपने बढ़ोतरी दे ले वो कदम चुक के वद्दा जा सकता है तो वो है आ, अगले हफ्ते उस विषय दे बारे में थोन दसांगा अच्छा चेले द विशेषताएं वो की है और अगले हफ्ते ये भी मैं दसागा कि जब चेले जेले एक प्रश्न मैंने की करना है है ना पर अच्छा मैं की करा कि ये करना वो यही करना ठीक रहेगा या कुछ और करना है वो एक प्रश्न भी मन उठता है उन विषया के बारे अगले हफ्ते असि अम्म सिखा तो ये है उत्तर मैं आशा लगता कि एक आइडिया मिल गया बाकी ज्योति कुछ पूछना चाह रहे इससे आंसर देना था मतलब हाँ, अच्छा ठीक तो, है हाँ मतलब उसके विश्वास के द्वारा मतलब जब हम ऑब्जर्व करते हैं वहां परमेश्वर में वो चलने अच्छा चलने लगा और लगातार संगति में जुड़ा है और मतलब हमारी बातों को जो हमें हम सिखा रहे हैं उसको फॉलो करके दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने में लगा है ये कुछ बातें हैं जिससे हमें चल लगता है कि हाँ अभी इसको जरूरत नहीं है हम दूसरे को उस पर ध्यान दे सकते हैं मतलब और... हाँ जी हाँ जी ये कुछ कुछ जो क्वालिटीज हैं वो ती दस रहे हो हाँ वो सारी गल् जब देख कर एक आइडिया मतलब सानो मिल जाता है और अगले हफ्ते थोड़ा और भी विस्तार विच असी उस दे बारे और ये भी याद रखन दी लोड है कि चेले बना उस प्रक्रिया तो बाद ये नहीं सोचना है हम तो मैं चेला बन गया खत्म ये नहीं है पर लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए है और ये लगातार बढ़ोतरी जब असि वेखते एक बच्चा जब बड़ा हो गया उसने पता अच्छा मैंने ये खाना है मैंने ये नहीं खाना है ना मैं ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ اچھا ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਵਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਵੀ ਅੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ होर भी गलन की लड़ है होर भी जानन की लड़ है होर बढ़ोतरी की लड़ है तो वो बढ़ोतरी वो आप भी अपने आप कर भी सकता है और उसके लिए कलीसिया है मेनटेनिंग होंगे है यह सारी लगातार चल रहेगी जो आप ये तय कर सकता है जिम्मे इब्राहरी लिखा हूँ वो उस मुकाम ते आ गया उसको पता है की सही है और की गलत भी है वो चुन सकता है ठीक है अच्छा मैं थोड़ा शेयर करके जल्दी असी बस खत्म करन वाले हाँ ओके ते आम, सिख्या अते सिखलाई देन दे साड़ी इच्छा हुन इसी जो पालन पोषण चेले बनाओ दे इस दे विच सानो उसनो सिखाना भी है ठीक है एक तो असी अपने जीवन विचों सिखा रहे हैं दूजा उसनो बिठाकर भी अच्छा ये नहीं कह रहा हूं तो बाइबल पढ़ो पर कहा था किस तरह बाइबल पढ़ना है की करना है तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आया तुसी निशान लगाकर आकर साढ़े तू पुछो ठीक हुन की हम पढ़ रहे हो दसो इस द्वारा तुम तो की समझ आया प्रभु की गल कर रहा है फिर वो पूछेगा मैं पता किए पता लगेगा प्रभु गल कर रहा है तो तुम उस दस सकते हो सगो इस दे कुछ कुछ वीडियोस भी तैयार कर रहे हैं वो भीडियो लेकर उस नु कह ये भी सुनो और फिर बैठकर इस विषय करा कि तुसी वे दे उस नु पहचान तुसी वे जान सकदे हो प्रभु भी थोड़े गल कर रहा है तो जब तुम लगता है प्रभु तेल गल कर रहा है तुसी आके सा वंटो ते पता लगाओ अच्छा सचमुच में प्रभु की आवाज ही सुन रहा सी, या मैं आप ही अपनी आवाज सुन रहा सी या मैं शैतान की आवाज सुन रहा सी या मैं किसी होर की आवाज सुन रहा सी तो वो गल जिमें जिमें हौली उसकी उस अगवाही करेंगी उसकी मदद करेंगे वो इन सारी गलू सीखना सगों शुरू हो जाए तो उसको सिखा की लड़ है ठीक है तो नाले सिखलाई जिम्मे मेरे ख्याल किसी ने भैन रवा है किसी ने कहा उन्होंने ट्रेनिंग के विषय के बारे भी दसो और कलीसिया ट्रेनिंग्स है कलीसिया उस देविच्ट शामिल होना है वो जरूरी है कैरसल होना है वो जरूरी एक हिस्सा है क्योंकि कलीस कैरसल कलीसिया की जान है तो ये बहुत जरूरी है इस ये सारी गल्ला तो उस असं वेखते हैं परमेश्वर के वचन की वचन की सिक्ख्या दे है अभी अः जिम्मे पॉलुस ने तिमोथियस ने निर्देश दिता सी की है निर्देश वचन को एक पढ़े दो तिमोथियस दो दा आ, दो अध्याय दा दो आयत कोई भी एक बाइबल कट सकता है दो तिमोथियस दो अध्याय दा दो आयत कोई कृपया पढ़े जो कुछ मैं सिखाया है तू

और फिर उस मुकाम पे खड़ा करके लेकर आ गया वो ही चीज भी सिखा बहुत ही मुख्य वेखते हाँ अस उदाहरण बन आ, बनन दी सगो दे अः द्वारा असी उन्हों सिखाना है मैं अः जब असी कल वचन तो मैं फिर जब पूछता है तो मैं उस शेयर कर सकता जब मैं प्रभु वचन पढ़ रहा सी ठीक है मैं इस दौर गुजर के जा रहा सी प्रभु ने इस वचन के द्वारा मेरे नाल गल नीती प्रभु ने यह कहा तो की की हुंदा कोई की हो रहा है ते असी अपने जीवन के द्वारा कह रहे हाँ प्रभु मेरे नाल भी गल करता है इस तरीके प्रभु ने मेरे नीती आत्मिक बढ़ोतरी बदलाव बइबल रा आएगी ये याद रखना है कि ये आत्मिक बढ़ोतरी थे बदलाव किसमें आएगी बाइबल दे राही आवेगी वचन को एक पढ़े पहला पत्रस एक अध्याय द तेई आयत को एक कृपया पढ़े पहला पत्रस एक द तेई ते कोई हो पहला पत्रस दो द दो कटे क्योंकि तुमने नाशवान तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते व सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है हम्म तो ये नवा जन्म कि मैं प्रभु देव वचन दे द्वारा सगो पाया है और पहला पत्रस दो दा दो पढ़ेंगे कोई और पढ़े एक मिनट कोई और पढ़ ले नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ हाँ तो की है वो नए जन्मे दी तरह की है उस वचन पाए फिर तो अस इब्रानियो पत्री दे विच पढ़दे हाँ जो जिथे पौलुस सिगो जिथे वो लेखक कहता है तुसी तो हुन समा हो गया दूध नहीं पीना पर ठोस भोजन खाना है ठीक तो असी देख रहे हाँ जिवें छोटे बच्चे नो दुध की लौड़ पैंती असं उस रोटी नहीं खिलाते पर जिम्मे जिमेंडा होंग रोटी दाल वो बाकी सारी चीज भी खिलाना शुरू करते हाँ फिर अः अखते हाँ इसका मतलब सानू खुद अः चंगा चंगे व्यक्तिगत अः चंग सगो एक तरीके दे नाल खुद की है चंगा व्यक्तिगत बढ़ोतरी तदाहरण रहन द लोड है एक खुद एक तरीके दिनाल, एक चंगा विद्यार्थी सगो बन की लोड है सो वो ते वो बहुत जरूरी है कि अगर समझे जिम्मे मैं कहा एक बार जो असं सोचते हैं कि असि चेले बन गए तो बस और सीखन की लड़ नहीं है जो सोचते हाँ तो बिल्कुल ही गलत सोच है सानू ये समझना है ये याद रखना है सीखन की गल मर दम तक अभी सीखना है सीखन का गुण हमेशा अपने अंदर रखना है इस करके खुद एक चंगा विद्यार्थी बनने की बहुत ही ज्यादा लोड़ है ठीक तो ते जिवे पोलुस ने तुमोत्युस ना सी वचन असं पढ़ेंगे पहला पांच दस सोलह कोई भी पहला पांच दस सोलह

सेम ही होगा so almost, आ, है ना आ, चलो मैं कोई नहीं रेफरेंस शायद गलत है पाया कोई नहीं मैं देखता पर ये ये इस अ समझे कि सानो सगो उस तरीके देनाल एक चंगे विद्यार्थी बनन की लोड है ये अगला पॉइंट असं देखते हाँ सिर्फ साड़ी अपनी आत्मिक बढ़ोतरी ही नहीं पर दूजिया भी उदाहरण बन बन तो जब मैं अपने जीवन दे विच बढ़ोतरी दा ध्यान दे रहा हां तो सिर्फ मैं ही वदा करके उस करके नहीं पर दूजे भी वद सके तो उस दे लिए वचन असि पढ़ेंगे पहला तो मत्ती उस 4 दा 12 तिमोथी से पहले पत्री चार दा 12 पढ़ेंगे कोई कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए हुँ? पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा हम्म तो पॉलुस की कह रहा है कि को, कोई भी तेरे जवानी न तुच्छ ना जाने पर की है वो कई पॉइंट्स दसता है इस दे विच प्यार दे विच इस पवित्रता दे विच इस विश्वास दे विच इस धीरज दे विच इन सारी गल्ला दे विच की कर दूजियां दे ले एक उदाहरण बन जा ताकि तेरे जीवन नो देखकर वो आप भी वद सकन। तो ये बहुत जरूरी है कि असं इस गल नो समझे कि जब बढ़ोतरी की गल है सिर्फ मैं ही वदा करके उस सोच के नाल नहीं पर दूजे भी वधना है तो मैं दूजिया हमेशा ध्यान देने वाला रह सका। ओके आ, ओके तो हम मैं इत रोकना और थोड़ा समा। दस मिनट विच जेकर प्रश्न है अज विषय के बारे में दस्या है तो तुसी पूछ सकते हो या तुसी कुछ होर भी इस बारे कुछ पॉइंट जोड़ना चाहोगे तो भी जोड़ सकते हो हाँ जी आज जो कुछ भी मैं थो समझाया तो मतलब एक समझ आ गया है Yes. जी <laughs> हाँ? सजने की बड़ी बेटी ने यस कहा हाँ जी ओके okay. तो आ, आ, कोई प्रश्न या कुछ है नहीं पासे जी ओके okay. कोई और चांस कुछ पॉइंट समझ नहीं आया या तुसी कुछ और इस चाहोगे ओके मैं समेट के सारा कुछ जो असी सगों वेख्या से मैं तुम्हें तो दसना चाहता हाँ असी वेख्या कि चेले दे विच केड़ी गल्लां दी लोड है उस विषय दे बारे असी वेख रहे जिथे परमेश्वर नाल साडा रिश्ता वो बहुत ही एक अहम रिश्ता है और जिस तरह एक वाला टैंकी है वो टैंकी जो होवे तो फिर पानी मिलेगा तो उसी तरीके नाल साथ जीवन दे विच, साड़ा स्रोत साोत परमेश्वर है ठीक और वही स्रोत है जो जीवन देंदे है वही स्रोत है जो सा जीवन साडे अंदर एक इस तरह का बदलाव लेकर आएगा इस तरह का एक अद्भुत कम साडे जीवन के करेगा जो अम्म बढ़िया प्रभावित कर सकता है जिन्होंने मतलब जीवन है।, है याद रखें समर्पण शायद हफ्ते बारी नहीं दो बारी शायद तीन बार संपर्क करना पेगा कदे उन्हें कोल जाना पएगा कदना सा पेगा कद बैठकर असी विषे विषय के बारे चर्चा कर अलग अलग इस दे दे, वेख रहे हैं उस दे जीवन कई आदतों को लेकर आने ले। उस उसके समावि समर्पण बहुत लोड है तीजा है कि अभी प्रति जवाबदेही रही है तो जब असी जवाबदेही रहा तद ही है कि साढ़े जीवन असं वेखते हाँ कि उसी तरीके दे नाल, आ, आ, एक साढे अंदर यह होंगे ना अ लगातार उसन करते रहें चौथा असी वेख्या कि आखिर तक सानू उन्हों के नाल जानने लिए जान जान ला लोड है पंजा असी वेख्या कि अते असि सिखलाई दे बहुत ज्यादा लोड़ है और इस याद रखें असी चंगे विद्यार्थी बन सके जो असी लगातार सिख भी रहे हाँ ठीक है तो याद रखना अस जिस तरह मैं कहा अस ये वेखना चाहते हाँ कि हर एक विश्वासी जो एक उस जो प्रभु आ जाते हैं उना दा पालन पोषण करना साड़ी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उन्होंने चेले बनाना साड़ी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिसनों अस मिलकर सिखांगे और ये किस तरीके का एक सिस्टम ला लो या एक तरीका वो जो हर एक उस बिल्कुल उदा ही फॉलो कर से, बिल्कुल उस तरह ही अनुसरण करेगा तो लगातार उस बना सकते हाँ ठीक है तो अः जेकर कोई प्रश्न नहीं है तो असि हूँ इतने प्रार्थना करके समाप्त करना चाहेंगे कोई और प्रश्न तो नहीं है चुप्पी ये दसते हैं कि नहीं है कोई प्रश्न ठीक है तो इस समय असी प्रार्थना करके अः समाप्त करना चाहेंगे तो क्यों ना अ सारे अपने अखा नी बंद करिए और प्रार्थना करें प्यारे परमेश्वर देविच, असी जो तुसी हुक्म देता जाओ जाति जाति दे चेले बनाओ परमेश्वर ये अप पालन पोषण चेले इस काम असी। परमेश्वर होर भी ज्यादा इस चाहते हाँ और यही चाहते हाँ कि कलीसिया विच हर एक विश्वासी परमेश्वर हुन जो है वो चंगी तरह समझ ले ते अगे भी जो भी आएंगे परमेश्वर वो भी इन सारी गल् समझते हुए वो छेले बनते हुए बाकिया छेले बना भी बन सकन परमेश्वर पवित्र आत्मा इस इस काम के मदद मांगते हाँ इस असि प्रभु उत्तमता दे दिनाल करना चाहते हाँ क्योंकि ये कुछ बुनियादी गल् बहुत जरूरी गल् हैं क्योंकि बस एक कलीसिया बहुत सारे लोग की आ रहे हैं बस उस असि संतुष्ट नहीं है पर असी हर एक दे जीवन विच। जो योजना जो दर्शन उन्होंने व्यक्तिगत जीवन लिए रखा है उस होंदे हुन, हुए असी प्रभु उन्होंने खड़े होना चाहते हाँ हर एक विश्वासी नींखना चाहते हाँ कि वो प्रभु कलीसिया स्थानीय कलीसिया दे उस उन्नति उस बढ़ोतरी दे विच पूरा योगदान देंगे हुए मिलकर अस प्रभु बज सकी कलीसिया दर्शन देता है उस नो पूरा करन वाले प्रभु बन सकिए हर एक आशीष दे पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हाँ इन सारी दे बारे और भी समझ दे और इसी मिलकर इस प्रभु पूरा करण वाले रह सकिए धनबाद इस समाज सारे जो आए हैं हर एक आशीष रहे बाद वीडियोस जो बनाए जाएंगे उसको सुन के प्रभु अपने आप तैयार करने के लिए प्रार्थना कर हैं कि मदद करोगे सारी महिमादा देंदे हुए ईशो के नाते अं मंगते हाँ अमैन अमेन